का हुआ बड़ा खुलासा यानी पर्दाफाश। एटीएम का स्टेनो बताकर लोगों से कर रहा था अवैध वसूली, चढ़ा पुलिस के हत्थे। ये घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर निहाद अहमद, जो कि रिजा क्लिनिक नाम से चलाते हैं, मरीजों की कतार लगी हुई थी, तभी डॉक्टर साहब के पास अज्ञात नंबर से एक फोन आता है। फोन करने वाला अभियुक्त अपना परिचय पीके यादव स्टेनो एटीएम गोना बताते हुए कहा कि आपके खिलाफ एक शिकायत आई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो मैं ऑफिस आकर मिल ले रहा हूँ। तभी अभियुक्त पीके यादव ने बात घुमाया और कहा कि मैं अभी ऑफिस पर नहीं हूँ, इतना कहकर फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापस फिर फोन आया और कहा अगर इस मामले को रफा दफा करना चाहते हो तो आपको 40,000 रुपये देने होंगे, यानी उसने 40,000 रुपये की मांग की। तभी डॉक्टर साहब को शक हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जहाँ भी हैं बता दीजिए, मैं खुद आकर आपसे मिल लेता हूँ। पर वो लगातार ना मिलने का झांसा देता रहा। बताया, मैं एक आदमी को भेज रहा हूँ जिसको आप 40,000 के साथ रिटर्न एप्लीकेशन दे देना। तभी डॉक्टर साहब को शक हुआ और उन्होंने सही निर्णय लिया और जा पहुँचे कप्तान साहब के ऑफिस। घटना की आप बीती बताई। उस फर्जी स्टेनो पीके यादव के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया। गोंडा एसपी श्री राजकरण नैयर ने एक्शन लेते हुए नगर स्मार्ट सर्विलेंस की टीम को तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की शीघ्र ही गिरफ्तारी के निर्देश दिए और पकड़ा गया। भी पकड़ा गया है जो आपसे सर, ये आज की बात नहीं, ये पिछले फ्राइडे की बात है। फ्राइडे के दिन दोपहर में वही नमाज के बाद मैं क्लिनिक पे अपने था, निकल रहा था घर के ही नहीं, एक बंदा आया मेरे पास, उसने कहा कि मैं कप्तान साहब के स्टेनो का चपरासी हूँ। तो मैंने कहा कि भैया बताइए क्या काम है। उन्होंने आपका नंबर मंगाया। मैंने उनसे कहा कि कप्तान साहब के स्टेनो को क्या काम उसे, तो बोला कि सर वो कुछ काम होगा, दो तीन दिन से मुझसे कह रहे थे। तो मैंने कहा कि अल्लाह उनका नंबर तो मैं बात कर ले रहा हूँ। तो बोला कि मोबाइल में भूल आया हूँ घर पे। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, दे दो नंबर इसे, लेकर चला गया। फिर मैं घर गया तो मैंने कप्तान साहब के स्टेनो साहब से बात की, उनको सारी बातें बताई। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने किसी को नहीं। 5:15 के आसपास मेरे पास एक कॉल आई, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पीके यादव बोल रहा हूँ, जिला अधिकारी साहब के स्टेनो बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भैया बताइए क्या बात है। तो कहने लगे सर आपके खिलाफ एक कंप्लेन है। मैंने कहा बताइए सर क्या कंप्लेन है। बोले कोई आस्मा पेशेंट है, उनको मेडिसिन रिएक्ट कर गई, तो उन्होंने बाहर जाकर के ट्रीटमेंट किया और वो जो है अधिकारी साहब से मिलना चाहती है। तो मैंने कहा सर बता दीजिए क्या है, नोटिस भेज दीजिए मुझे अगर कुछ है ऐसा। तो बोले नहीं नहीं ऐसा है, मैंने उसको मैनेज कर लिया है और आप एक रिटर्न एप्लीकेशन लिख करके और 40,000 रुपये मुझे भेज दीजिए। तो मैंने उसको बता दिया सारी चीज़ें, मैनेज कर ले रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है सर मैं वहीं आ जा रहा हूँ। तो बोला नहीं आप वहाँ मत आइए, आप ऐसा कीजिए कि मैं अपनी चपरासी को भेज रहा हूँ, उसी को आप पैसा और एप्लीकेशन दोनों दे दीजिए। बाबू को पकड़ा गया है जो ग्राहकों से वसूली करता था, क्या ऐसा हुआ और पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? ये दिनांक 13 सितंबर को कोतवाली नगर थाने में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था डॉक्टर मिनाज द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति एसडीएम या ऑफिस का स्टेनो बंद कर मुझे धमका रहा है और पैसे मांग रहा है। पुलिस ने इस पर अभियोग पंजीकृत किया और जिस नंबर से मांगा जा रहा है उसको ट्रेस करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। और इसने स्वीकार किया कि मैं इस तरह के छल और पंच करके ये लोगों से पैसे वसूलता है और षड्यंत्र करके इस तरह से लोगों से फर्जी फोन करके किसी अधिकारी के नाम पर, किसी बाबू के नाम पर इस तरह का ये करता है। अभी और भी इसके कितने लोग हैं, साथी हैं और किन किन लोगों से इसने पैसा लिया, इस सब की अभी पुलिस जांच कर रही है। ये जो है चंद्र सोहा बंदाव है, थाना तरफगंज में, वहाँ का मूल निवासी। ये रंगदारी किसी मामले को लेकर पैसा मांगता था या फिर अधिकारी के नाम को लेकर पैसा मांगता था? ये अधिकारी को किसी काम को लेके या किसी उसको लेके कहते हैं।